Hello students this is the third video of the chapter The Central Islamic Lands In this video first we will do the left portion of the heading The Rise of Islam in Arabia given on page number 79 and then we will do the Caliphate expansion civil wars and sect formation so let's do ट्राइब्स आर सोसाइटी इन फर्स्ट इन सेकेंड वीडियो आई हैड टोल्ड यू दैट अरब्स वर डिवाइडेड इन टू ट्राइब्स वॉट आर ट्राइब्स ट्राइब्स आर सोसाइटीज ऑर्गेनाइज ऑन द बेस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप कि ट्राइब्स वो ट्राइब मतलब कबीले कबीले वो हुआ करते थे जो ब्लड रिलेशन पर आधारित थे और ब्लड रिलेशन पर आधारित थे और द अरब ट्राइब्स वर मेड अप ऑफ़ क्लैंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज फैमिलीज अरब ट्राइब्स क्या थी कि वो क्लैंस मतलब वंश पर आधारित थी और क्या हुआ करती थी कि एक बड़े परिवार का समूह हुआ करती थी ये जो ट्राइब्स होती थी और इसमें कुछ नॉन या अनरिलेटेड रिलेटेड क्लैंस को भी मर्ज कर दिया जाता था कई बार कि एक ट्राइब अगर अपने आप को स्ट्रांग करना चाहती है तो वो दूसरी क्लैन को अपने अंदर मिला लिया करती थी लेकिन ये जो नॉन अरब इंडिविजुअल्स होते थे इनको क्या बोला जाता था मवाली बोला जाता था यानी एक ट्राइब है और वो ट्राइब दूसरी क्लैन के लोगों को भी अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिला रही है तो उन मिले हुए उन उस दूसरी क्लैन को जो अनरिलेटेड क्लान होती थी उसको क्या बोला जाता था नॉन अरब इंडिविजुअल्स मवाली बिकेम मेंबर्स थ्रू द पैट्रोनेज ऑफ प्रोमिनेंट ट्राइब्स मैन अब इनको इसलिए मिला लिया जाता था कि कबीला जो है जो ट्राइब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये जो अनरिलेटेड uh, क्लान होती थी ये जो ट्राइब के हेड होते थे उनकी पैटर्नेज में उनके अंडर में वो उसके सदस्य तो बन जाते थे बट इस्लाम में उनको कन्वर्ट कराया जाता था लेकिन उसके बाद भी उनसे इक्वलिटी uh, का व्यवहार नहीं किया जाता था और बल्कि उन लोगों को उन रिलेटेड क्लांस को अलग से मस्जिदों में इबादत करनी होती थी नाउ नेक्स्ट इज़ मिडिवल पेंटिंग्स ऑफ मिडि पेंटिंग्स ऑफ यहाँ पर दी हुई है दैट इज अजायबुलखलूक ने एक पेंटिंग uh, बनाई और वो किसकी पेंटिंग दी हुई है थर्टीन सेंचुरी में पेंटिंग ऑफ अजायबुल मखलूक़ डिपिक्टिंग द आर्टिस्ट इमेजिनेशन ऑफ आर्केंगल जेब्रल अब जेब्रिल की यहाँ पर ये एक पिक्चर दी हुई है जिसे एंजल बोला जाता है मतलब जो भगवान के दूत कहलाते हैं वो ब्रॉट अ मैसेज टू मोहम्मद तो जैसे हमने बिगनिंग में किया था ना कि मोहम्मद ने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित किया था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग uh, जब्रिल जो था जो एक अल्लाह का दूत था वो उसके सपनों में आया था एंड व्हाट ही सेड द फर्स्ट वर्ड ही स्पोक वाज इस जब्रिल ने उसे सबसे पहले क्या बोला रिसाइट रिसाइट का मीनिंग क्या होता है रिसाइट को और क्या बोलते हैं इस्लाम में इकरा और उसका क्या मतलब होता है उसका मतलब होता है बयान करो और इसी शब्द से क्या बना है कुरान बना है इन इस्लामिक कॉस्मोलॉजी अब जो इस्लामिक कॉस्मोलॉजी है यानी इस्लामिक ब्रह्मांड विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी पर तीन तरह की इंटेलिजेंट फॉर्म है लाइफ की और वो कौन कौन है एक तो एंजल्स सेकेंडली ह्यूमन्स एंड थर्ड जिन्स सो उसके बाद हमने आ, किया था कि किस तरह से आ, जो इस्लामिक कैलेंडर है एंड देन किस तरह जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने मदीना पर अधिकार कर लिया था और लास्ट में हम कर रहे थे कि अर्ली इस्लामिक पॉलिटी हावेवर रिमेंड अ फेडरेशन ऑफ़ इस तरह से अर्ली इस्लामिक पॉलिटिक्स जो थी वो सिर्फ फेडरेशन थी किसका संघ थी अरब ट्राइब्स का और क्लैंस फॉर अ लॉन्ग टाइम तो यानी जो पॉलिटिक्स थी उस टाइम पे अरेबिया की वो फेडरेशन थी अरब ट्राइब्स की और क्लांस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ वी कम टू द अनदर टॉपिक एंड दैट इज खलीफत एक्सपेंशन सिविल वॉर्स एंड द सेक्ट फॉर्मेशन आफ्टर द मोहम्मद डेथ इन सिक्स नो वन कुड लेजिटिमेटली क्लेम टू बी द नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम दैट मीन्स कि पैगम्बर मोहम्मद जिनका जन्म फाइव सेवेंटी ए डी के आस पास हुआ था उनकी डेथ सिक्स थर्टी टू ए डी में हुई और उनके मरने के बाद देर वॉज नो वन हु बिकम द नेक्स्ट प्रोफिट ऑफ़ इस्लाम कि वो नेक्स्ट पैगंबर बन सके कोई इस्लाम का ऐसा उसकी फैमिली में कोई नहीं था अब इसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट इज पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज ट्रांसफ़र टू उमा अब वो जो कम्युनिटी बनाई थी प्रोफिट मोहम्मद ने उमा जो एक से जैसे धार्मिक विचारों को फॉलो करते थे मुस्लिम्स जिन्हें बोला गया था अब उसमें ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ था सक्सेशन का कि कौन उसकी अगर पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कौन उसे सक्सेस करेगा सक्सेसर कौन बनेगा सो दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशन अब इसकी वजह से क्योंकि पहले ऐसा नहीं लिखा हुआ था तो एक नई इनोवेशन उस टाइम पर की गई कि एक इनोवेशन हुई और वो क्या इनोवेशन हुई कि खलीफत की स्टार्टिंग हुई कि खलीफाओं का शासन स्टार्टेड हुआ था अब इसमें क्या किया गया था कि सबसे पहले तो एक इंस्टीट्यूशन बना जिसे खलीफत बोलते हैं और ये जो खलीफत था इसमें एक तो क्योंकि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद बहुत सारे उसके जो उमा कम्युनिटी के लोग थे उनमें अलग अलग विचार आने लगे थे कि कौन आगे हेड बनेगा तो कुछ बिलीव करते थे कि जो पैगंबर मोहम्मद की ब्लड रिलेशन में हैं वो ही सक्सेसर बनेंगे जबकि कुछ ये बिलीव करते थे कि जो उमा कम्युनिटी है उसमें जो एलाइट पीपल हैं दो पीपल विल डिसाइड हु विल बिकम द सक्सेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ़ प्रॉफिट मोहम्मद तो इस तरह से स्प्लिट हो गए थे व्यूज़ उस टाइम पीरियड में तो एक इंस्टीट्यूशन बना एंड दैट वाज़ कॉल्ड खलीफ़त इन विच लीडर ऑफ द कम्युनिटी बिकम द डिप्टी ऑफ द प्रॉफिट जिसमें डिसाइड किया गया कि कोई उनका सक्सेसर तो नहीं बनेगा लेकिन डिप्टी बन जाएगा खलीफा बन जाएगा प्रॉफ़िट का द फर्स्ट फ़ोर खलीफ्स अब इस तरह से चार खलीफा हुए बिगनिंग में जो चार खलीफा थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद के ब्लड रिलेशन में मानते थे तो पहले चार खलीफाओं के बारे में हम यहाँ पर खलीफ्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे द फस्ट फोर खलीफ्स इन सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू सिक्सटी वन जस्टिफाइड देयर पावर्स ऑन द बेस ऑफ क्लॉड क्लोज एसोसिएशन विद द प्रॉफिट एंड क्लोज रिलेशनशिप विद द प्रॉफिट एंड कंटिन्यू डिज़ वर्क अंडर द जनरल गाइडेंस ही हैड प्रोवाइडेड कि उन्होंने ये बोला कि वो उन्ही के गाइडेंस के अंडर वर्क करेंगे द टविन ऑब्जेक्टिव ऑफ खलीफेट वर्क टू बी रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द उमा अब दो ऑब्जेक्टिव क्या थे ऐसे डिप्टी बनने के खलीफा बनने के कि एक तो उस ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूट करके रखा जाए जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने सबको इकट्ठा करके रखा था उमा कम्युनिटी को तो उस कम्युनिटी को कंसोलिडेट किया जाएगा तो वो कौन करेगा खलीफ्स करेंगे एंड रेज द रिसोर्स फॉर द स्टेट और दूसरा उनका वर्क होगा कि जो उमा कम्युनिटी है उसके रिसोर्सिस को बढ़ाना ताकि जो उनका भरण पोषण है उमा कम्युनिटी के लोगन, लोगों का वो किया जा सके उन पर्टिकुलर लोगों का नाउ फॉलोइंग मोहम्मदस डेथ मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे फ्राम द इस्लामिक स्टेट कि मोहम्मद की डेथ के बाद ही बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्टेट थे जो टूटकर बिखरने लगे थे कि वो आ, डिफर हो गए थे सम इवन रेज देयर ओन प्रोफिट्स टू इस्टेब्लिश कम्युनिटी मॉडल ऑन उमा कुछ स्टेट्स ने क्या करना शुरू कर दिया था कि उन्होंने जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी कम्युनिटी बनाई थी उमा इसी तरह से अपनी अपनी कम्युनिटी बनाना शुरू किया अपने प्रोफिट्स को खड़ा करना शुरू कर दिया तो फर्स्ट खलीफ़ जो थे वो कौन थे अबू बकर अभी हमने किया था कि प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के बाद एक इंस्टीट्यूट बना क्योंकि उनका कोई सक्सेसर नहीं था इंस्टीट्यूट क्या था खलीफत खलीफत में चार खलीफा हुए थे जो डिप्टी कहलाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के और उसी के ब्लड रिलेशन में थे जिनमें से पहला ख़लीफ़ कौन था अबू बकर एंड अबू बकर सप्रेस द रिवोल्ट बाय अ सीरीज़ ऑफ़ कैंपेन उसने बहुत सारे रिवोल्ट को सप्रेस किया था कई वॉर्स करके नाउ उसके बाद अबू बकर ने आ, क्या किया कि सप्रेस किया को बाय सीरीज़ ऑफ़ सीन द सेकंड खलीफ उमर शेप द उमास पॉलिसी अब सेकंड खलीफ कौन हुआ उमर उसने एक्सपेंड करने की कोशिश की पावर्स को द खलीफ़ न्यू दैट द उमा कुड नॉट बी मेंटेन आउट ऑफ मॉडेस्ट इनकम उसे पता था उमर को अबू बकर अबू बकर ने क्या किया रिवॉल्व को इंटरनल रिवॉल्व को सप्रेस किया दूसरे खलीफा ने क्या किया कि एक्सपेंड किया पावर को कौन था सेकेंड खलीफ उमर था द खलीफ न्यू दैट द उमा कुड नॉट बी मेंटेन्ड आउट ऑफ वो ये मानता था ही नो कि उमा को मेंटेन करने के लिए ओनली इनकम जो है ट्रेड और टैक्सेस से जो मिलती है दैट वाज नॉट इनफ़ तो रियलाइजिंग द रिच बूटी कुड भी ऑब्टेन फ्राम एक्सपेक्टेशनरी रेट्स तो वो बिलीव करने लगे थे कि अगर वो एक दूसरे पर मतलब पर दूसरे ट्राइब्स पर अटैक करेंगे या दूसरे एरियाज़ पर अटैक करेंगे वहाँ जो रेड में उन्हें मिलेगा वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा तो खलीफ एंड इज मिलिट्री कमांडर मस्टर देयर ट्राइबल स्ट्रेंथ टू कॉन्कर लैंड्स बिलोंगिंग टू बेंजेटाइन एम्पायर तो बेंजेटाइन एम्पायर रोमन एम्पायर जो था उसकी तरफ उन्होंने रुक करना शुरू किया उनको एक्वायर करना शुरू किया वेस्ट में और ससैनियन एम्पायर जो था ईस्ट में उस पर एम को भी उन्होंने एक्वायर करने की कोशिश की एट द हाइट ऑफ देयर पावर द बेंजेटाइन एंड ससेंियन एम्पायर रूल बास टेरेटरी अनकमांडेड ह्यूज रिसोर्सेज टू परस्यू देयर पॉलिटिकल कॉमर्शियल इंटरेस्ट इन अरेबिया अब उस टाइम पीरियड में ये जो एम्पायर्स थे ससानियन एम्पायर बेंजेटाइन एम्पायर जो थे पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और वो अपने कॉमर्स को यानी वाणिज्य व्यापार वगैरह जो थे वो करना चाहते थे अरेबिया के साथ द बेंजेटाइन एम्पायर प्रोमोटेड क्रिस्टैनिटी जबकि बेंजटाइन एम्पायर जो था रोम से जो कंसल्ट था वो क्रिस्टानिटी को स्प्रेड कर रहा था और ससानियन एम्पायर जो था जोरेस्टेरिज़म में बिलीव करते थे जो भी एक धर्म है द एंशंट रिलीजन ऑफ ईरान जिसको बोला जाता है ऑन द ईव ऑफ द अरब इन्वेजन दीज टू एम्पायर्स है डिक्लाइंट इन स्ट्रेंथ ड्यू टू रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट अब जैसे ही अरब अरब पीपल का इन्वेजन हुआ उनकी उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे ये एम्पायर्स डिक्लाइन होते गए थे हमने इस थर्ड चैप्टर की एंडिंग में देखा था कि किस तरह से रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ था बिकॉज ऑफ अरब एक्सपेंशन तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होने लगे थे रिलीजन्स को लेकर इन एम्पायर्स के अंदर में ससानियंस और बेंजिटाइन एम्पायर में तो धीरे धीरे ये जो अरब्स थे इन्होंने अपने आप को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लिया था एंड दिस क्योंकि वहाँ के लोग आपस में ही जो रिच थे एरिस्टोक्रेट पीपल थे आपस में लड़ रहे थे तो जब इंटरनल स्टरफ होते हैं तो बाहर की पावर्स जो होती हैं वो ईज़ीली उन पर अटैक कर सकती हैं और स्ट्रेंथफुल हो सकती हैं तो यही अरब में किया गया दे आर दे गिवन द मैप यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ इस एरिया में ये जो सऊदी अरब है और अरब में किस तरह आसपास के एरियाज को भी उन्होंने कॉन्कर कर लिया था नाओ इजियर फॉर द अरब जो अनैक्स द टेरेटरी थ्रू वॉर्स एंड ट्रीटीज़ तो उन्होंने पेंजिटाइन एम्पायर सनियन एम्पायर जो था ईस्ट में और वेस्ट में पेंजेटाइन एम्पायर के साथ बहुत सारी ट्रीटीज़ को साइन किया और बहुत सारे एरिया को उन्होंने कवर कर लिया इन थ्री सक्सेसफुल कैम्पेन्स इन सिक्स थर्टी सेवन एंड सिक्स फोटी टू द अरब्रॉड सीरिया इराक अरब ने किस किस पर अधिकार कर लिया ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अरब सीरिया इरान इरा इजिप्ट इन एरियाज़ को भी इसने कॉन्कर कर लिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ मदीना किसके कंट्रोल में आ गए मदीना में क्योंकि मदीना को उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन का जगह बनाया हुआ था तो मिलिट्री स्ट्रेटेज स्ट्रेटजी रिलीजन फरवर एंड द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन अब इस तरह से जो मिलिट्री स्ट्रैटी उन्होंने अडोप्ट की प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद के खलीफ्स ने और रिलीजन को उनके अंदर रिलीजन को आगे बढ़ाने की जो रिलीजियस फर्वर था एंड द वीकनेस ऑफ अपोजिशन दूसरी तरफ जो अपोजिशन थी वो भी वीक थी तो इन तीनों कारणों ने मिलकर उसे सक्सेस किया अरब्स को सो फर्दर कंपीस वर लॉन्च बाय द थर्ड खलीफ अब इससे आगे जितने भी हुए वो किसने किए थर्ड खलीफ ने फर्स्ट खलीफ हमने कौन सा किया था अबू बकर दूसरा कौन सा उमर और तीसरा अब हम करेंगे उठमन बाय द थर्ड कलीफ उठमन टू एक्सटेंड द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एशिया विद इन डिकेट ऑफ डेथ ऑफ मोहम्मद द अरब इस्लामिक स्टेट कंट्रोल द वास्ट टेरिटरी बिटवीन नाइल एंड ऑक्स दीज लैंड्स रिमेन अंडर मुस्लिम रूल टू दिस डे तो आज भी वो जो क्षेत्र हैं वो मुस्लिम रूल के अंडर में हैं तो इस तरह से बहुत वाइड एरिया पर अधिकार कर लिया था अरब्स ने डूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ सिक्स थर्टी सेवन टू सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी टू इन ऑल द कॉन्क्रट प्रोविंस द खलीफ्स इम्पोज अव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अब जिन पर भी खलीफ्स अधिकार करते जा रहे थे वहाँ उन्होंने नया ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया था यानि तो हेड होता था उन जगहों पर जहां जो, जो जो उन्होंने जीती थी एंड uh, ट्राइबल जिनको अशरफ बोला जाता था तो गवर्नर्स और ट्राइब्स के जो चीफ होते थे वो उस पर्टिकुलर एरिया को एडमिन करते थे जो किसने जीत लिए थे जो किसने जीते थे uh, उठमन ने जिनको जीता था आगे चलकर और उससे पहले जो खलीफ्स हुए थे उन्होंने जिन को जीता था सेंट्रल ट्रेजरी बलातुलमल ऑपटेनडेड्स रेवेन्यू फ्राम टैक्सेज पेड बाई मुस्लिम्स एज वेल एज़ इट्स शेयर टू द बूटी फ्राम रेड्स अब जो सेंटर की ट्रेजरी थी उसमें पैसा कहाँ से आता था एक तो टैक्सेस से जो मुस्लिम्स पे करते थे इसके अलावा वो जो रेड्स करते थे और उन रेड्स में उनको जो मिलता था द खलीफ सोल्जर मोस्टली बेद्स खलीफ्स के जो सोल्जर्स होते थे वो जो प्रॉफिट के डिप्टी थे खलीफ उनके जो सोल्जर्स थे वो बेदोइंस हुआ करते थे और उनके कैंप्स मोस्टली कहाँ पर थे इसको अंडरलाइन करेंगे कोफा एंड बसरा में टू द रिमेन विद इन रीच ऑफ़ देयर नेचुरल क्योंकि ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट के आसपास रह सकें एज वेल एज खलीफ्स कमांड द रूलिंग क्लास सोल्जर रिसीव शेयर ऑफ द बूटी एंड मंथली पेमेंट अब ये जो रूलिंग क्लास थी और सोल्जर्स थे उन्हें शेयर मिलता था जो भी वो जीत कर लाते थे रेड करके लाते थे उसमें भी और मंथली पेमेंट भी मिलती थी द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रिटेन्ड देयर राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस नॉन मुस्लिम्स जो थे उनके राइट थे अपनी प्रॉपर्टी पर उनको कुछ भी परेशानी क्रिएट नहीं की जाती थी उन खलीफ्स के द्वारा और इसके अलावा उन्हें लेकिन टैक्स देना पड़ता था नॉन मुस्लिम्स को ख़राज एंड जजिया जूस एंड क्रिस्चन्स व डिक्लेयर प्रोटेक्ट सब्जेक्ट टू द स्टेट अब जूस को भी क्रिश्चियंस को भी उन एरियाज़ में क्योंकि बेंजे टाइम पर भी अधिकार कर लिया था वहाँ पर जूस भी थे क्रिस्चन्स भी थे तो उनको स्वतंत्र रखा गया था कि वो किसी भी तरीके से रह सकते हैं बट उनको टैक्स पे करना पड़ेगा खराज और जजिया एंड उनकी अपनी ऑटोनॉमी होगी एंड गिवन अ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी इन द कंडक्ट ऑफ देयर कॉम्यूनल अफेयर तो पूरी स्वतंत्रता उनको दे दी थी कि वो जिस भी तरह से अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड यूनिफिकेशन डिड नॉट कम इजीली टू द अरब ट्राइब्स मैन अब ये जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन था या यूनिफिकेशन था ये बहुत इजी नहीं था उनके लिए विद विरिटोरील एक्सपेंशन द यूनिटी ऑफ उम्मा बिकम थ्रेटन बाय कॉन्फ्लिक्ट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड ऑफिसज़ इतने बड़े एम्पायर को संभालना बहुत ही मुश्किल था तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सोर्सेज को लेकर और कुछ कॉन्फ्लिक टेराइज हो गए थे कलीफ्स में और कई तरह के व्यूज़ वाले लोग जो थे वो वहाँ पर हो गए थे द रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली इस्लामिक स्टेट कॉम्प्राइज ऑलमोस्ट एंटायरली द द्वारिश ऑफ मक्का अब जो रूलिंग क्लास थी वो किस वंश से बिलोंग करती थी ख्वारिश से बिलोंग करती थी मक्का के जिससे जिस ट्राइब से कौन भी बिलोंग करते थे प्रोफेट मोहम्मद द थर्ड कलीफ उठमन उठमन जो था थर्ड कलीफ था हमने पहले किया अबू बकर था फिर उमर था फोर्थ था उठमन वो वो जो था उसे सिक्स फोर्टी फोर से फिफ्टी सिक्स तक ऑल्सो अ क्वारिश पैक्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन विद ओन मैन टू सिक्योर ग्रेटर कंट्रोल कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वारिश ट्राइब के लोगों को ही वहाँ पर हेड बनाया हुआ था तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे उसके अंदर जो और ट्राइब्स थी उनको इस चीज़ को लेकर बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे द मक्न करैक्टर ऑफ द स्टेट एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द अदर ट्राइब्स मैन अब क्योंकि मक्का का बहुत इफेक्ट था क्योंकि क्वारिश ट्राइब मक्का से बिलोंग करती थी तो मक्का का जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था एडमिनिस्ट्रेशन पर और दूसरा वो जो क्वरिश ट्राइब का इम्पैक्ट था वो और ट्राइब्स को पसंद नहीं आ रहा था अपोजिशन इन इराक एंड इजिप्ट कम्बाइंड विद अपोजिशन इन मदीना अब अपोजिशन जो हो रही थी इराक़ और इजिप्ट में वो कंबाइन हुई विद अपोजिशन इन मदीना अब इस तरह से लेड टू द दिनेशन ऑफ उठमन अब ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे इसकी वजह से उठमन की हत्या कर दी गई थी असेसिनेशन कर दिया गया था उसको मार दिया गया था विद उठम्स डेथ अली बिकम द फोर्थ खलीफ नाउ अली बिकम द फोर्थ खलीफ और अली के खलीफ बनने के बाद वहाँ पर किस तरह से लड़ाइयाँ हुई और ये जो मुस्लिम्स थे टू पार्ट्स uh, में डिवाइड हो गए थे दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ द रिफ्ट्स अमंग द मुस्लिम डीपेंड आफ्टर अली द फोर्थ खलीफ तो फर्स्ट इज अबू बकर सेकेंड इज उमर थर्ड इज उटमन एंड फोर्थ इज अली सिक्स फिफ्टी सिक्स से सिक्सटी वन तक फॉर टू वार्स अगेंस्ट दो रिप्रेजेंटेड द मक्का एरिस्टोक्रेसी उसने मक्का एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट में टू वार्स को फाइट किया था अली सपोर्टर एंड एन एनिमीज लेटर कम टू फॉर्म द टू मेन सेक्ट्स अब उसके जो सपोर्टर्स थे अली के और जो उसके एनिमीज अनि, थे उन्होंने टू सेक्ट्स दो संप्रदायों में वो डिवाइड हो गए थे जो कौन कहलाए शियाज़ एंड सुन्नीस अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शियाज़ एंड सुन्नीस शियाज़ बिलीव्ड दैट लीडर मस्ट बी फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद And Sunni's believe that leadership must be choose by the elite of the umma community after the death of Prophet Muhammad. कि शिया और सुन्नी में ये difference था कि शिया sect ये मानता था कि जो successor है वो Prophet Muhammad की family का ही होना चाहिए. On the other hand, Sunni वो लोग थे जो ये believe करते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो हेड बने उमा कम्युनिटी का वो एलाइट जो है कम्युनिटी के अंदर जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो चूज़ करें कम्युनिटी में से कि, कि किसको खलीफ बनना है सक्सेसर बनना है तो इस तरह से टू सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था इस्लाम और वो फर्स्ट था शिया एंड देस ऑल एस्टैब्लिश हिमसेल्फ कोफा एंड डिफीटेड एन आर्मी बाय मोहम्मदस वाइफ आयशा इज द बैटल ऑफ द कैमल अब इस अली ने इस्टेब्लिश किया अपने आप को कोफा में और उसने डिफ़ीट किया मोहम्मद की वाइफ आयशा को इन द बैटल ऑफ कैमल इसको अंडरलाइन करेंगे ही वॉज ऑवे व नॉट एबल टू सप्रेस द फैक्शन लेड बाय मुआविया लेकिन वो सप्रेस नहीं कर पाया था उन गुटों को उन संघों को जो मुआविया ने बनाए थे मुआविया जिन्हें कहा जाता था किंग्स मैन ऑफ उठमन एंड द गवर्नर ऑफ सीरिया अली सेकंड बैटल एट शिफिन नॉर्दर्न मैसोपिटामिया एंडेड इन अ ट्रूस विद स्प्लिट विद दिस फॉलोवर इन टू टू ग्रुप्स अब अली को भी फॉलो करने वाले अली को फॉलो करने वाले कौन थे कि जो अली को के साथ में थे जो शियाज थे वो भी टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गए थे उसकी जो लड़ाइयाँ चल रही थी उस टाइम पीरियड में तो वो टू uh, पार्ट्स में डिवाइड हो गए सम रिमेन लॉयल टू हिम कुछ उसके साथ लॉयल थे वाइल अदर लेफ्ट कैंप कुछ उसको छोड़कर चले गए केम टू बी नोन एज खरजीज़ जिनको क्या बोला गया जो अली को छोड़कर चले गए खारजीज सोन आफ्टर ऑल असेसिनेटेड बाय खारजी इन अ मॉस्क एट कोफा अब कुछ टाइम बाद अली को असेस, अली को भी अली की भी हत्या कर दी गई खारजीज ने की जो उसके विरोधी थे उसी की ट्राइब के अंदर आफ्टर इज डैथ इज़ फॉलोवर पेड एलिगेंस टू इस सन उसके सन को उन्होंने महत्व दिया हुसैन को एंड इज डिस को मुआविया मेड हमसे नेक्स्ट खलीफ इन सिक्स सिक्सटी वन सिक्स सिक्सटी वन में मुआविया ने अपने आप को खलीफ घोषित कर दिया था फाउंडिंग द हमायर डानेस्टी तो एक हमायर डाइनेस्टी एक नई ट्राइब जो थी वो हेड बन गई ख्वारिश की जगह

अब जो क्वारिश ट्राइब का जो स्ट्रांगनेस चली आ रही थी उसको और ज़्यादा उमायद ने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी क्योंकि अब उमायद वंश के कौन बनने वाले थे खलीफ्स बनने वाले थे तो उन्होंने भी क्वारिश ट्राइब को स्ट्रॉन्ग करने की बिगनिंग में कोशिश की थी क्वारिश ट्राइब से कौन बिलिंग बिलोंग करते थे प्रोफेट मोहम्मद और वो उसी के ही खलीफा बनते चले आ रहे थे लेकिन अब किस क्लैन ने वहाँ पर किस वंश ने अपनी स्ट्रॉगनेस दिखा दी थी हुमायद्स ने और हुमायद्स ने किस तरह से ख्वारश ट्राइब को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी नाउ दैट वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट वीडियो